नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का सवाल है. क्वेश्चन सेज अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10. सवाल ये वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड विल बी, और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. बहुत ही आसान सवाल है. यह आपका एच हाइट की बिल्डिंग है, यहाँ से आपने गेंद को ड्रॉप किया है और आपको बताना है जब वो नीचे गेंद आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी. ये बात अपने को पता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH होती है. डायरेक्ट यहाँ पे H की वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा. एक बार ये वैल्यू डिराइव और कर लेते हैं, ठीक है. सो अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाए V इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये अपना पॉइंट ऑफ ओरिजन है. यहाँ से आपकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो आपकी वेलोसिटी हो गई जीरो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन हो गया माइनस जी, और हाइट होगी उसकी माइनस एच. ये आपकी एच हाइट है. सो इससे विच इम्प्लाइज V स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया अपना 2GH, यानी कि V की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2GH. इसमें फॉर्मूला रख के वैल्यू आ जाएगी. हाइट अपने को 20 दे रखी है तो V की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया आपका अंडर रूट 20 बन जाएगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर.